तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी कुछ इस टाइप से इमेज को बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप भी अपने मोबाइल फ़ोन का यूज करके बहुत ही आसानी से इस टाइप की इमेजेस बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आखिर आपको इस टाइप की इमेजेस को बनाना कैसे है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो आपको ये रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है आप इस सब्सक्राइब बटन को हिट करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको इस टाइप की इमेजेस को बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च बार पर लिखना है विंग, इतना लिख करके दोस्तों आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो विंग की एप्लीकेशन होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसको दोस्तों आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर मुझे दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करेंगे तो इसको सिंपल सा क्या करना है, ओपन कर लेना है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ विंग एप्लीकेशन को ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पहले नंबर पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा इमेज क्रिएटर का, जस्ट दोस्तों आपको इसी इमेज क्रिएटर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इमेज क्रिएटर पर क्लिक। जैसे दोस्तों आप इस इमेज क्रिएटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, इस AI के माध्यम से आपको इमेज को जनरेट करना है। तो इमेज को जनरेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट को लिखना होगा। अब दोस्तों ये जो प्रॉम्प्ट है वो आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपल सा जो है आपको वहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रॉम्प्ट को पेस्ट, और यहाँ पर मैं पेस्ट बटन पर क्लिक करके प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया हूँ। अब जैसे ही दोस्तों आप इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ चेंजेस करने हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नेम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों आप जिसके भी नेम के इमेज को जनरेट करना चाहते हैं सिंपल सा दोस्तों आपको जो है यहाँ पर उसके नेम को इंटर कर देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मुझे यहाँ पर रोहित नाम से एक इमेज को जनरेट करवानी है तो मैं यहाँ पर सिंपल सा रोहित नेम इंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोहित, इतना लिख करके दोस्तों आपको जो है इसको कैपिटल लेटर में कर देना। तो मैं यहाँ पर इसको कैपिटल लेटर में कर देता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, ये जो आपको नीचे साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट का, जस्ट आपको इसी क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्रिएट बटन पर क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेज होगी वो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो है थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। जैसे दोस्तों हमारी इमेज जनरेट होगी यहाँ पर हम उसको सिंपल सा डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ गई है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल और कूल दिख रहा है। अब दोस्तों अगर आप इस इमेज को अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर, यूट्यूब पर आप कहीं भी प्रोफाइल भी लगाएंगे या फिर स्टोरी या स्टेटस लगाएंगे तो दोस्तों आपसे जो है लोग जरूर पूछेंगे कि भाई आपने इस टाइप की इमेज बनाया कहां से है। तो दोस्तों आप जो है इस एप्लीकेशन का यूज करके किसी भी नेम की जो है इमेज को यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। बस दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद ऊपर साइड में डाउनलोड का बटन आएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है और इस इमेज को आपको अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी पहली इमेज है वो बहुत ही आसानी से डाउनलोड हो गई है। अब यहां पर आपको ऐसे स्क्रॉल करना है और यहां से आपको सेकंड इमेज को फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करना है और डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। फिर से इसको स्क्रॉल करना है और यहां से आपको तीसरी इमेज को भी इसी तरीके से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको बारी बारी से जितने भी इमेजेस को डाउनलोड करना है यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार में सिर्फ चार ही इमेज यहां पर जनरेट होती हैं। तो यहां से दोस्तों आप बस क्या करना, उस प्रॉम्प्ट में जा करके यहां से नेम को चेंज कर देना और यहां पर आप जिसके भी नेम को इंटर करेंगे उसी के नेम की यहां पर इमेज जनरेट होकर के आ जाएगी। अब यहां पर दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं मैंने यहां पर बहुत सारी इमेज जनरेट किया है। जैसे दोस्तों यहां पर मैंने क्लिक किया आप लोग देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो यहां पर जनरेट होकर के आ गई है। अगर दोस्तों आप इस टाइप की इमेज बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आखिर इस टाइप की इमेज बनाना कैसे है। दोस्तों इस टाइप की इमेज बनाने के लिए आपको दूसरा प्रॉम्प्ट पेस्ट करना होगा, आप इस प्रॉम्प्ट से इस टाइप की इमेज नहीं बना सकते हैं। यहां पर दोस्तों मैं आपको और इमेज दिखाता हूं, यहां पर मैंने अपने नेम की भी बनाई है, यहां पर मैंने कर दिया क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी भी नेम की जो इमेज थी यहाँ पर खुल करके आ गई है। यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने नेम से जनरेट किया था तो यहाँ पर जो है बहुत ही कूल और अट्रैक्टिव यहाँ पर मेरे नेम का जो इमेज है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से विंग एप्लीकेशन का यूज करके इस टाइप की इमेजेस बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।